खटिया पे बैठ के खाने वाले हैं। दाल चावल तो मैं नहीं खाता। हाँ एक दो बार ही करते हैं और ठीक है भी। चलो दे दे। लाजवाब खाना आया है। न्यूली न्यूली वेड कपल का नर्मदापुरम में स्वागत है। अमावस की रात को आए हो, देखो सारे चांद सितारे आपके लिए छुप गए हैं। अभी ये व्लॉग नहीं होता तो डायलॉग मार रहा था। मारो ना, मारो, लाइट भी आ गया अब तो। अरे बाप रे, मामा अपना नया फोन दिखाते हैं। लाइट हो जाना लाइट। अब खुद मारो ना, क्या डायलॉग मार रहे थे। चांद सितारे छूटते ना, चांद सितारे खुद आया तो कहां। ओ माय गॉड, आप सितारे हो कि आप चांद हो? अब जो समझ दे तेरी खाते। हमारा नमामि देवी नर्मदे नर्मदापुरम, ये पहले होशंगाबाद हुआ करता था जो कि बहुत बढ़िया नाम था। उस साइड सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। अब बोलो चाचा जी, क्या बोल रहे थे? नर्मदा नदी बहुत ही शो मानी जाती है यहाँ के श्रद्धालु हर अमावस्या को आते हैं वैसे तो, लेकिन सोमवती अमावस्या का यहाँ पे विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या पे विशेष तौर पे लोग जो है दूर दूर से आते हैं स्नान करने के लिए और डुबकी लगा के अपना पुण्य कमाते हैं। आपको भी कभी समय मिले और आपके जब भी नर्मदा नदी के आसपास से गुजरे तो चाहे अमावस्या हो या ना हो, आप एक बार माँ नर्मदा में डुबकी लगाएं। तब तक आपको ऑनलाइन डुबकी लगवाते हैं वहाँ जाके। चलो हमारे कैमरामैन जाइए वहाँ पे, थोड़ा ऑनलाइन डुबकी लगवाइए। अभी हम आ गए हैं ओबैदुल्लागंज। ट्रेन की बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है यहाँ पे और ये मेन हाईवे है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे आधी रात में और इस खटिया पे बैठ के खाने वाले हैं। खटिया पे तो पूरा वो बैठ गए। कैसा भी खाएंगे। चलो रोटी तो कौन सी वाली खाओगे? तंदूरी ना। मैं भी तंदूरी। चार जगह वही कर देना। दाल चाहिए आप लोगों को? मैं तो थोड़ा सा खाऊंगा तो जो भी मंगाने मंगा लो आप। दाल खाओगे? दाल चावल तो मैं नहीं खाता। दाल चावल तो मैं नहीं खाता। आप खा लिया मैंने? नहीं खाया। नहीं खाया? नहीं नहीं चावल बिल्कुल नहीं खाया। सब्जी सब्जी क्या क्या बताया आप? आप बताओ स्पेशल क्या है यहाँ की, कौन सी वाली है? पनीर। कौन सा पनीर है? अच्छा पनीर को छोड़ के ज्यादा स्पाइसी नहीं होगा ना? करना है ट्राई। ठीक है प्याज और अचार दे देना। ग्रीन सलाद लगवा। ग्रीन सलाद नहीं बहुत रखे घर पे पापड़ खा के आया। मैं खा के आया हूँ बहुत सारा। हाँ पापड़ मैं भी नहीं खाऊंगा। लस्सी वगैरह। ट्रेन की क्या आवाज आ रही है? गाड़ी लस्सी। ट्रेन की आवाज है ये? बनाते नहीं हो? नहीं, LHB रेखे। ठीक है आपका ये लेआउट दिखने को। इस ढाबे पे बस बस भी आती है।
तो अपने सोए जाएंगे, अपन क्या करते हैं, अपन लोग कैसे करते हैं, भोलापन भोलापन इतना ही देंगे बार के अपन एक दो बार ही करते हैं और पीते भी चलो दे दे फिर वो खुद बोलते अच्छा तीन तो बहुत कम हो जाएगा, आठ कर साढ़े तीन कर रहा चलो छह वो चार में कर देते तो अपन तो बोलेंगे उसको बोलेंगे डर के बोलते हैं इसको बुरा नहीं लगेगा रिश्तेदार है सच में ऐसे ही होता है। लाजवाब खाना है यार, पनीर सिंगापुरी बटर तंदूरी रोटी और ऐसे गर्मा गर्म हवा चल रही है, हाईवे है बढ़िया और ट्रेनों की आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। पहली ऐसी जगह है जिन्होंने बोला है कि आप खा तो लो ठंडी हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, वरना हम बैठे रहते हैं होटलों में ऑर्डर हो जाता है और उसके बाद में भूख ही मरने लगती है क्योंकि रोटी नहीं आती है।